बताओ क्या कर रहे हो ये क्या क्या चीजें मिलाई हुई है? गुड़ डाले और पानी डाले। पानी गुड़ और पानी में मिला के जो है ये इडली बना रहे हो मूंगफली की। अभी मूंगफली डालोगे इसमें? ये भी माल पर तैयार होने वाला है। तैयार हो गया है? दो मिनट में, एक मिनट पर। सही है। ये कितनी देर पकाते हैं? कम से कम 5 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। अच्छा 5 मिनट लगते हैं। अब इसमें मूंगफली डाल दोगे? नीचे उतारेंगे, इसकी कटिंग करोगे? मार के सीधा करके यहाँ पे ये उतारोगे, उसके बाद उतार के जो है इसकी कटिंग करेंगे आप। हैं ये देखे जी, ये बच्चा है छोटा सा और इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, आप देख रहे हैं आप। और ये सारी चीज़ें ये इसी की बनाई हुई है हाथ की खुद ही, क्यों ये आपने खुद ही बनाई है ना सब? भाई ये किससे सीख रही है ये तुमने सारा काम? अबू से जी, अबू किधर है? अच्छा वो भी यही कर रहे हैं? वो कहाँ पर? सर सैयद। अच्छा तो ये तुमने अबू से सीखा है अपने? तो तुम कब से कर रहे हो? मुझे 1 साल होने वाला है। 1 साल हो गया इस पर काम करते हुए? फुल फ्लेज सीख गए हो? वाह भाई, कहाँ रहते हो? मटानी होटल के पास। अभी इधर की लोकेशन बताओ, कहाँ पर खड़े हो तुम? ये मुक्का चौक के पास खड़े हैं। मुक्का चौक पे खड़े हुए हो तुम? बिल्कुल मेन मुक्का चौक पे जी। अच्छा और कब तक खड़े रहते हो यहाँ पे? रात के 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक? और आते कब वो? सुबह 2 बजे आते मोहम्मद की मस्जिद के साथ खड़े हैं। अच्छा उसके बाद यहाँ आ जाते हो? जी 9 बजे यहाँ आ जाते हैं शाह की नमाज के बाद। अभी सर्दी शुरू नहीं हुई है, मगर ये है कि लोग इसको खरीद रहे हैं चिकली को जी। हैं जी, सर्दी से पहले यानी कि स्टार्ट हो चुका है ये काम। अब ये तुम्हारा कब तक चलेगा? मार्च तक? मार्च हाँ, 12 महीने मार्च तक चलेगा ना, सर्दियाँ हैं मार्च तक रहेंगी। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद फिर गांव चले जाएंगे। गांव चले जाओगे 6 महीने? फिर घर में उधर ही रहते हो? उधर ही रहते हो, चलो सही। ये देखो आप क्या डाल लो, मूंगफली डाल दो। अब इसको कितनी देर पकाओगे? तैयार हो गया। ये तैयार हो गई? इसमें घी भी डालते हो? नहीं नहीं, पानी और गुड़ बस। तो ये बहुत जल्दी काम करना पड़ता होगा, वरना सूखती नहीं है ना। सूख जाती होगी तो खराब हो जाती है? 2 मिनट में सूख जाती है। है ना, 2 मिनट में ये सूख गई तो समझो खराब हो गई है ना। नहीं, ये इसको नीचे उतारेंगे। हाँ उतार के बेलन मारेंगे, बेलन मार के फिर इसकी कटाई करेंगे। कटाई के बाद फिर 2 मिनट के सूखने देंगे, फिर तैयार हो जाता है। अच्छा ये अब इधर बेलन से वो करोगे ना? जी सही है, बहुत ज़बरदस्त काम है ये तुम जो कर रहे हो ना, ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता। ये देखो ये बेलन तैयार हो रहा है, ये रोटी वाला। इसी को खास बेलन है क्या कोई? लोहे का। लोहे का जी। इस पे चिपकता नहीं है ना? नहीं नहीं। 2.5 किलो का वजन है इसका। इसका ना जी। तुम उठा लेते हो जी। अच्छा और इसको कटिंग किससे, छुरी से करोगे? नहीं नहीं, कटर पड़ा है। इसका कटर होता है जी। तो एक दफ़ा ये कितनी मूंगफली इस्तेमाल की तुमने? 1 किलो? आधा किलो की, आधा किलो या 3 पाव। अच्छा तो इसमें कितनी चिकलियाँ बन जाएंगी तुम्हारी? कम से कम 1 किलो का माल बनेगा। 1 किलो का माल बनेगा शायद। एक चिकली कितने की होती है तुम्हारे पास? ये वजन के हिसाब है, 800 रुपये किलो है। 800 रुपये? नहीं एक चिकली भी तो लेते ना बहुत से यार, एक चिकली दे दे यार। वो 30 रुपये की होती है, उसमें एक पीस आते 32-33 ग्राम। अच्छा जी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो 1-2 चिकलियाँ ही लेते हैं, बच्चे खाते हैं शौक से ही है। और अभी तो इसकी मांग और बढ़ जाएगी जब सर्दियाँ आएंगी तो। क्यों? ये आगे इसका कटर। ये अच्छा इसका कटर है। ओए होए, ये बिल्कुल एक ही साइज़ में काटेगा जी। मैं 1 सेकंड उधर चले आऊँ, ज़रा नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये देख रहे हैं आप कैसी एक साइज़ के कटिंग कर रहा है ये बच्चा, छोटा सा बच्चा है ये। कटिंग देखें आप इसकी कैसी है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ही आला। आज तुम पकड़ाई में आ गए मेरे। सही है। तो अब इसको तुम पैक कर दोगे? कितनी देर ये रखी रहेगी सूखने के लिए? 2 मिनट। 2 मिनट के बाद सूख जाएगी? हाँ तैयार हो गया, सूख गई 2 मिनट। अच्छा ये सूख गई, अब इसको उठा लोगे ऐसे चॉपर में डाल दोगे? नहीं पता नहीं। ये कितना है? 1 किलो है पूरा? मेरा ख्याल से इतना ही होगा। 1 किलो होगी ना मेरा ख्याल। सही है, रेडी हो गई है।
और ये जो टूटी हुई होती है इसका क्या करते हैं? वजन का होता है, वजन होता है। अच्छा इसका वजन होता है, ये भी बिक जाती है, ये भी इसके साथ ही आ जाती है। अच्छा इसका हिसाब नहीं होता ना, वजन होता है इसका। अच्छा अच्छा वजन के हिसाब से बेच दे तो फिर तो ये खराब नहीं होती क्योंकि वो। और ये जो होती हैं साबुत जो होती हैं ये जो आपको पीस के हिसाब से भी बिक जाती है। तुम एक एक पीस बनाओगे ये किलो का वो बनाओगे एक एक पाव की? एक पाव की बनती है, आधा पाव की भी बनती है, आधा पाव से कम भी बनती है। अच्छा एक किलो की बन जाती है। अच्छा सही है। अब तुम वजन कितना बनाओगे इसका? अब इसका आएगा 62 ग्राम। 62 कितना हो गया यानी कि एक पाव? ये हो गया नहीं 50 रुपये की 3 पीस आए। 50 रुपये की 3 पीस आए। 3 पैसे। सही है ठीक है। ये 50 रुपये के हिसाब से सेल करोगे? इसमें 3 पीस है। ठीक है बहुत आला भाई, बहुत तरक्की करोगे माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे और इसमें बरकत दे।